और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास बड़ी खबरों से। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने वाले के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई हो। नुपुर शर्मा के द्वारा आवेश में दिए गए विवादित बयान पर माफी मांगने के बावजूद आप में लड़ाने की साजिश क्यों? सीतापुर में एक महिला ग्राम प्रधान के द्वारा हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं को प्रतीक चिन्ह छपे टाइल्स जो कि शौचालय में लगवा दिया, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपके पूर्वजों ने देश को आज़ादी दिलाने की अपनी कुर्बानी इसलिए दी कि आप दोनों हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़कर मर मिटो? हम सब वोटों और आरक्षण की लड़ाई लड़ने में अपने पूर्वजों की कुर्बानियों को आपस में लड़कर व्यर्थ गंवा रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं सत्येन सेंगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया अधिकार मंच भारत। साथियों जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हैं, 3 जून को कानपुर नगर में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज के बाद पत्थरबाजी, तोड़फोड़, कई तरीके से उपद्रव किया, जिसके बाद में पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद हालातों पर काबू पा लिया है। इसके बाद में कल पुनः उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत के कई राज्यों में नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तोड़फोड़, आगजनी, पत्थरबाजी करके हिंसात्मक उपद्रव किया, जो कि बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। समस्त मुस्लिम समुदाय के साथियों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री नूपुर शर्मा, जिन्होंने अपनी धार्मिक भावनाओं में उत्तेजित होकर के कुछ भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। इसी के साथ साथ नूपुर शर्मा ने भी अपने द्वारा किए गए अभद्र टिप्पणी पर क्षमा मांगते हुए अपने बयानों को वापस लिया है। दोस्तों ये भारत की संस्कृति है, संस्कार है, जो कि अपराधी को क्षमा मांगने पर क्षमा दे देते हैं, माफ कर देते हैं। साथियों मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, सन 1947 में जब देश आजाद हो रहा था, पुष्प राणा ने कहा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहिए भाई भाई। हमारे पूर्वजों ने हम सबको आजादी दिलाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है और आज हम आपस में ही लड़कर हिंसात्मक उपद्रव करके अपना ही नुकसान करने पर तुले हुए हैं। मुस्लिम समुदाय तो नवाज पढ़कर देश की अमन शांति की दुआ मांगता है, परंतु आज ये पत्थरबाजी, हिंसात्मक रूप से उपद्रव करने वाले ये कौन है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। इसी के साथ साथ में मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि जो लोग चाहे प्रदेश में या भारत में कोई भी व्यक्ति हो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र कर रहा है, उसके खिलाफ देशद्रोह, रासुका जैसे मुकदमा पंजीकृत कर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथियों मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों का खून गर्म है तो आप लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने मौलिक अधिकारों के लिए, अपनी पीढ़ी के भविष्य के लिए संघर्ष करिए और शासन से वह चीज मांगे जो आपकी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य बना सकती है। हम सब लोग हिंदू मुस्लिम में पढ़कर जातीय भावनाओं में बह करके हम लोग आपस में लड़कर यूं ही बर्बाद नहीं होना है। इसी के साथ साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और एक बार पुनः अपील करता हूँ कि इस तरीके से हिंसात्मक रवैया हम सबके लिए दुखदाई और कष्टकारी है। जय हिंद,
जय भारत। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।